हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्लन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल साइड्स पे प्रेजेंट रहती है। हम आज की इस वीडियो में पैराथायरॉयड ग्लैंड के स्ट्रक्चर, पोजिशन और यह कौन से हॉर्मोन सीक्रेट करती है, और जब यह हॉर्मोन ज़्यादा सीक्रेट करती है या कम सीक्रेट करती है तो इससे जो कौन कौन से डिसीज होते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इसके पोजीशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। देयर आर अ फोर इन नंबर विच आर द होली और पार्शियली इम्बेडेड द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, द टू ग्लैंड्स इन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। यह जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यह फोर नंबर्स में हमारे थायरॉयड ग्लैंड पर प्रेजेंट रहती है, जो कि हमारे थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल साइड्स में प्रेजेंट रहती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह जो है थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल साइड्स में प्रेजेंट रहती है। यह है हमारी थायरॉयड ग्लैंड और यह है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हमारे थायरॉयड ग्लैंड को दो लोब रहते हैं, यह दो लोब आप देख पा रहे होंगे। तो दो लोब पे, ईच लोब पे, यानी कि हर एक लोब पे दो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इस एक लोब पे दो पैराथायरॉयड ग्लैंड और इस एक लोब पे दो पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड जो रहती है यह फोर रहती है। ईच लोब आर द ओवल शेप, द स्मॉल साइज 5 mm एंड द येलो कलर। अब हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है यह स्मॉल और ओवल शेप की रहती है, जिसकी जो साइज है यह 5 mm तक इसकी साइज रहती है, जो कि येलो कलर में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है यह कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड यह पैराथायरॉयड हार्मोन को ही सिक्रेट करती है, जिसे कि कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसे कोलिप्स हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट वाज द डिस्कवर्ड एंड प्यूरिफाइड बाय द कोलिप्स इन 1925। क्योंकि इसे जो डिस्कवर्ड किया गया था और प्यूरिफाई किया गया था कोलिप्स नाम के साइंटिस्ट द्वारा 1925 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था। इट्स सिक्रेशन इज स्टिमुलेट बाय लो कैल्शियम इन ब्लड देन नॉर्मल लेवल थ्रू द फीडबैक कंट्रोल। अब यह जो है हमारे बॉडी की जो कैल्शियम लेवल है, इससे इसका डायरेक्टली संबंध है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पैराहार्मोन। पैराहार्मोन प्रमोट द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन एंड इट्स द रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन इन द किडनी। अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, जो एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को जो है यह प्रमोट करता है। हम जो फूड लेते हैं वो जो इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है, तो इंटेस्टाइन जब डाइजेस्ट करती है तो उससे कैल्शियम को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करती है। या फिर जब एक्सरेशन की प्रोसेस होती है, एक्सरेशन की प्रोसेस में नेफ्रॉन जो रहती है, हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन रहता है, वो भी वहाँ पर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस सब को प्रमोट करने का काम कौन करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। इट्स एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट इन यूरिन। जो यूरिन में एलिमिनेशन प्रोसेस चालू रहता है, तो इस एलिमिनेशन प्रोसेस में जो फॉस्फेट का एलिमिनेशन है उसको एक्सेलरेट करने का काम कौन करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। यानी कि उसका जो रेट है एलिमिनेशन का, वो क्या करता है, बढ़ा देता है। इट इज़ द सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू होमोस्टेटिस बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे बॉडी में एक होमोस्टेटिस नामक प्रोसेस चलती है, उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का जो प्रमाण है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब मान लो कि अब जो यह होमियोस्टेटिस प्रोसेस है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है पैराथायरॉयड हार्मोन का, यह पैराथायरॉयड हार्मोन का कंट्रीब्यूशन कैल्शियम और फॉस्फेट आयन्स को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जब यह हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो यह कैल्शियम और फॉस्फेट का आयन जो है यह रेगुलेट नहीं कर पाएगा। या फिर कम सिक्रेशन हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन का तो फिर भी यह रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी केसेस में हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में इसमें क्या होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका जो सीक्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका सीक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें कैल्शियम की लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फॉस्फेट की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैल्शियम की लेवल जो कम हो जाती है उसे कहा जाता है हाइपोकैल्शियमिया, और फॉस्फेट की लेवल जो बढ़ जाती है इसे कहा जाता है हाइपरफॉस्फेटिमिया, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में
न्यूरोमस्कुलर हाइपरसिटेबिलिटी नामक डिसीज जन्म लेते हैं। और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है इसकी साइज जो हो जाती है वो थोड़ी छोटी भी हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्या हो जाता है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका जो सीक्रेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, इसमें जो कैल्शियम की लेवल है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसे कि हाइपरकैल्शियमिया कहा जाता है। और फॉस्फेट की लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे कि हम हाइपोफॉस्फेटीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स और नर्व में क्या आती है, वीकनेस आती है। यह जो हार्मोन है पैराथायरॉइडिज्म, यह ज़्यादा सीक्रेशन होने की वजह से और कम सीक्रेट होने की वजह से यह हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, यह दो फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कैल्शियम लेवल को और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाता। हमारे होम्योस्टेटिस प्रोसेस में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है वो रेगुलेट नहीं कर पाता यह हार्मोन ज़्यादा सीक्रेशन और कम सीक्रेशन की वजह से। तो यह रहा पूरा हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।